नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों कैसा रहेगा कि अगर एक काफ़ी अच्छा मॉल जो है यहाँ पे देखने के लिए मिलता है आपको ग्रेटर नोएडा के अंदर में। दोस्तों एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है अभी ग्रेटर नोएडा के रिगार्डिंग। मैं जहाँ तक समझता हूँ तो ये काफ़ी अच्छी खबर है हम लोगों के लिए जो इन्वेस्टर हैं वहाँ के। तो मैं आपको बताऊँ, एक ग्रुप है लुलु ग्रुप, ठीक है। मुझे नहीं मालूम कि आप लोग उसको कितना जानते हो, लेकिन मैंने उसको काफ़ी करीब से पर्सनली लेवल पर इसको जो है काफ़ी अच्छे से एक्सपीरियंस किया है। इनके जो ऑपरेशंस हैं, इनके जो प्रोडक्ट कह लीजिए, क्योंकि ये जो अपने यहाँ पे प्रोडक्ट मंगाते हैं वो सबसे सस्ता प्रोडक्ट ये है देते हैं। एक डी मार्ट होता है, ठीक है, अपने यहाँ पे, और एक वॉलमार्ट है बाहर का। और अपनी जो गल्फ कंट्रीज हैं वहाँ पे लुलु एक बहुत ही फेमस जो है ब्रांड के नाम से जाना जाता है। मैंने 7 साल इसको जो है एक्सपीरियंस किया है। यूएई में भी है और सऊदी में, कतर में, ओमान में, हर जगह, हर एक कंट्री में एक एक लुलु आपको देखने के लिए मिल जाता है, हर एक सिटी में। तो काफ़ी अच्छा जो है इनका ऑपरेशन है। ऐसे तो इसके जो ओनर हैं वो इंडियन हैं, लेकिन फिलहाल वो यूएई में रहते हैं, तो यूएई बेस्ड कंपनी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। वो केरला के हैं बेसिकली जो इसके ओनर हैं। अभी इनकी जो है ग्रेटर नोएडा और ऑफिशल्स के साथ में मीटिंग हुई है, और मीटिंग में ये तय किया गया है कि ये इनको जमीन दे दें और ये अपना काम जो है चालू कर दें। तो अगर वो इनको अलॉट कर देते हैं, एलोकेशन कर दी जाती है लैंड पार्सल को, और कुछ जो है पेमेंट का जो है अभी सेटलमेंट नहीं हो पाया है, अगर वो हो जाता है तो ये हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छा हुआ कि हम लोग अभी ग्रेटर नोएडा में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको काफ़ी फायदा होगा इससे। इससे जो है जमीन के जो एक्टिविटी है वहाँ पर, कमर्शियल एक्टिविटी, वो बढ़ जाएगी। अभी देखिए, इन्होंने इकोटेक 10 के अंदर में सबसे बड़ा फूड पार्क बनाया है। 20,000 मीट्रिक टन तक वहाँ पे सामान आ सकता है। अगर मैं एरिया की बात करूँ तो पूरे 20 एकड़ में वो बना रहे हैं इसको, ठीक है। 1 साल हो गया है अभी, और जल्दी जो है वो तैयार हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो जो आसपास के किसान हैं, जैसे जेवर में हैं, या आपके बुलंदशहर एरिया के जो किसान हैं, या इधर आपके नोएडा के और गाजियाबाद के जो किसान हैं, उन लोगों को फायदा होगा। वो अपना डायरेक्ट सामान जो है वहाँ पर सेल आउट कर सकते हैं, और यहाँ से ये लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे अपना सामान जो ये न्यू मॉल जो यहाँ पे बना रहे हैं, और जो फूड पार्क है इनका, इससे एक चेन बन जाती है इनकी। तो उससे काफ़ी फायदा होने वाला है, इससे जीडीपी में भी ग्रोथ होगी, क्योंकि ये अपना जो ज़्यादातर सामान एक्सपोर्ट करते हैं सेंट्रल एशिया को, तो उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। और इससे जो है उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी है उसको भी ग्रोथ मिलेगी, और लोगों को भी ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि डायरेक्ट जॉब आपको देखने के लिए मिलेगी। इन्होंने अभी लखनऊ में पिछले साल जुलाई में अपना मॉल खोला था, लुलु मॉल। 11 एकड़ में वो मॉल है जिसकी जो है इनोग्रेशन किया था सीएम योगी साहब ने। उसके बाद वहाँ पे नमाज को लेकर के कुछ थोड़ा सा इशू हो गया था, कुछ हनुमान चालीसा को लेकर के इशू हुआ था, जुलाई की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही जो है इनको लैंड अलॉट कर दी जाएगी, ठीक है, और ये अपना पैसा वहाँ पे लगाना स्टार्ट कर देंगे, और जल्दी हमको वो मॉल देखने के लिए मिलेगा। फिर घूमने जाया करेंगे सब लोग, और वहाँ पे अपना खर्चा करेंगे। आप हमारे को थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे चैनल वेलसुन फार्मेसी, जो एक और चैनल है हमारा, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर हम लोग जो है मेडिसिन के बारे में बताते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।